इस बार करियर काउंसलर में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे यूपीएससी द्वारा संचालित पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। ये टिप्स आपको मदद करेगी इंटरव्यू की तैयारी करने में। आइए देखते हैं ये सेगमेंट। यूपीएससी की परीक्षा अपने आप में ही काफी कठिन मानी जाती है। अफसर बनना या नीली बत्ती हासिल करने का सफर आसान नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत के साथ साथ लगन की जरूरत भी है। यूपीएससी की परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है, यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी पर्सनल इंटरव्यू। यूपीएससी की प्री और मेंस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब वक्त आ रहा है पर्सनल इंटरव्यू की परीक्षा का। पर्सनल इंटरव्यू में मेंस की चयनित छात्र छात्राएं पैनल के सामने 1-to-1 इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें सफल होने के बाद आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। ब्रॉडली एक कैंडिडेट में क्या होना जरूरी है, सो जस्ट थिंक अ कैंडिडेट गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द सिविल सर्विसेज एंड सर्विंग द कंट्री, सो उसमें जो ऑफिसर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए टू सर्विंग द नेशन, दे बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द नॉलेज पार्ट इज ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड इन 2 स्टेजेस, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ दिस इज नॉट द नॉलेज टेस्ट, दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। हियर द पर्सनालिटी के डिफरेंट जो फैसेट्स है दोज विल बी टेस्टेड। नो क्या आते हैं फैसेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, देन his thought process, how he is thinking, how balanced person he is, then his rationality of thoughts, say bahut acche se soch pata hai kya, logical answers de pata hai kya. Fourth thing is his adaptability to listen to various viewpoints. पर्सनल इंटरव्यू में बैठने वाले छात्रों को हमेशा ये डर रहता है कि जाने किस प्रकार के सवाल उनसे पूछे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू का उद्देश्य आपको भयभीत करने का नहीं है, वह बस माध्यम है आपके व्यक्तित्व की पहचान करने का। पीआई में पूछे जाने वाले सवाल पूरी तरह से असेसमेंट बेस्ड होते हैं। यूपीएससी मेंस और प्री में आए सवालों से हटकर सवाल पैनल द्वारा पूछे जाते हैं, ताकि वह नाप सके कि आप में निर्णय लेने की कितनी क्षमता है। जनरली 5 लोगों का पैनल होता है, वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुला के वो पैनल रहता है, उसमें एक यूपीएससी का मेंबर जरूर होगा, ही वर्क्स एज अ चेयरपर्सन ऑफ दैट पैनल, पर्टिकुलर पैनल। सो फ्रॉम द बायो डेटा ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, या आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, या से आपका बैकग्राउंड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, या ग्रेजुएशन में का कोई सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद में आप ले लो कि जैसे सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या नया जो सब्जेक्ट आया है एथिक्स उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सो देर आर न्यूमरस क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड बाय द पैनल। तो हर स्टूडेंट ने क्या करना है, तो उसका बायोडाटा पहले तैयार करना है, उसमें वो ही शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अक्सर छात्र छात्राएं इंटरव्यू में कंफ्यूज होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारणवश उनका चयन नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं करियर एक्सपर्ट से कि कैसे करें तैयारी। देयर आर थ्री फ्यू थिंग दैट द स्टूडेंट्स नीड टू कीप इन माइंड। जब भी इंटरव्यू पैनल को फेस करेंगे, सो जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द इंटरव्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 2-3 वेरियस एस्पेक्ट्स। One most important is their profile, their biodata, which they have already submitted to the UPSC. So biodata में से बहुत सारे questions निकलते हैं जिसपे questions expect कर सकता है एक candidate. Another thing is the current affairs part or the general knowledge related part, which is like more often than not the issues which are there in the current issues which are there in the discussion. उस पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मे बी एनालिटिकल स्किल बेस्ड या मे बी उसका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड इज जनरल क्वेश्चन जिसका शायद से आंसर पता भी हो ना भी पता हो, तो इस तरह से जनरली इस 3 पार्ट में इंटरव्यू के क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। यूपीएससी के पर्सनल इंटरव्यू को कभी आसान न समझें, ऐसा करना आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकता है। इसकी तैयारी तुरंत यूपीएससी मेंस के बाद ही शुरू कर दें। निर्धारित समय में सारा कुछ रिवाइज करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स पर भी ज्यादा ध्यान दें। करंट अफेयर्स बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू स्टेज।
कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोफाइल के ऊपर भी कुछ नहीं पूछा है और करंट अफेयर्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स मतलब क्या है, से आप इलेक्शन रिजल्ट से ही ले लो, से गवर्नमेंट का बजटरी एक्सपेक्टेशन से ले लो, मे बी इंटरनेशनल इश्यूज ले लो, मे बी बराक ओबामा का विजिट ले लो। सो देर आर न्यूमरस करंट अफेयर्स इश्यूज। इसके ऊपर स्टूडेंट्स ने क्या करना है, ही इज ही एक्सपेक्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग? नो। व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू नो इज द बेसिक, व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज वॉज इन न्यूज, व्हाट आर द इश्यूज बिहाइंड इट, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर न्यूज टू बी इन द न्यूज। सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट, व्हाट इज हिज पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इश्यू पर्टिकुलर टॉपिक। पर्सनल इंटरव्यू यूपीएससी की परीक्षा का आखिरी पड़ाव है, इसमें अच्छे मार्क्स आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसकी तैयारी पूरी प्लानिंग और समझदारी से करें।